अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपना होमवर्क शौक से और अच्छे से कर रहे होंगे, बिकॉज़ होमवर्क करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। होमवर्क करने से आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और जब आपको टीचर आगे से काम करवाती हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया होता ना, तो आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो सिंपल, आपको क्या करना होता है? आपको होमवर्क अच्छे से करना होता है, शौक से, ताकि आपको भूले नहीं और आप अगले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। और मैथमेटिक्स में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम रियल लाइफ में मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करेंगे। क्या आप लोगों ने मैथ्स को इस्तेमाल किया रियल लाइफ में? आई होप आपने किया होगा, बिकॉज़ आई नो यू गाइज आर सो स्मार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। कल हमने किया था पेज 23 एंड 24, उसकी बहुत सारे पॉइंट्स थे। मैंने कहा था आपने ट्राई करना है, आई होप आपने ट्राई भी किया होगा। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो उसमें आपने परेशान नहीं होना। मैं आज फिर रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस अगर नहीं कर पाए हो तो उसको ईजीली कर लो, ठीक है? सो हम 23 पेज पे देखते हैं पार्ट 1, जो कि है 10 + 24 - 6 / 2, ठीक है? अब देखें, एक ब्रैकेट में दो साइन आ गए हैं। क्या आ गए हैं? दो साइन आ गए हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। अब हमने क्या करना है? हमने सिंपल लेफ्ट से स्टार्ट करना है, जो कि हमारे रूल्स में हमें बताया गया है। आपने हमेशा अपने सॉल्यूशन में सॉल्व करते वक्त ब्रैकेट्स में भी अगर है, ब्रैकेट के बाहर भी है, कोई भी दो साइन एक साथ आते हैं, आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है? सो लेफ्ट से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पहले प्लस है, फिर माइनस है। 10 जब हम प्लस करेंगे 24 के साथ तो क्या बनेगा? 34। 34 के अंदर जब हम से 6 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? 34 - 6 28। यस, सो 28 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास मज़ीद कोई साइन उसके अंदर मौजूद नहीं है। जब आपके पास कोई साइन ब्रैकेट में मौजूद नहीं होता तो ब्रैकेट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वी डू नॉट नीड इट एनी मोर, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट। अब हमारे पास है 28 को हमने डिवाइड करना है 2 से। अब सिंपली अपनी रफ शीट्स पे 28 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है? तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 14। वेरी गुड। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैं आपकी हेल्प करती हूँ क्वेश्चन जे में, राइट? आप जे देखो, 13 + 47 / 9 - 7। अब दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, नो नीड टू कन्फ्यूज अबाउट दैट। आप दोनों ब्रैकेट्स को एक ही टाइम में सॉल्व करो और नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर लिख दो। जैसे मैंने 13 में अगर मैं 47 प्लस कर देती हूँ तो मेरे पास 60 आता है। मैंने 60 भी लिख दिया, ब्रैकेट वैसे ही रहेगी, डिवाइड भी बीच में वैसे ही रहेगा। अब दूसरी साइड पे मैं 9 में से 7 माइनस कर दूंगी, 2 आ जाएगा। और थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगी? मैं लिख दूंगी 60 / 2। सिंपल, इट्स रियली सिंपल। देख के कभी क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होते, हमेशा उसको स्टेप 1 से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, तो वो आसान होता जाता है। यस, घबराते नहीं हैं मैथ्स में कभी भी। 60 को जब हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास 30 आंसर आ गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट? अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 में। इसमें बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस हैं, आई नो दैट, लेकिन अगेन आपको टेबल आने चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं, आप इन क्वेश्चन से कभी नहीं घबराओगे, राइट? सो हम देखते हैं, फर्स्ट में हमारे पास है 6 × 7 × 6, 7 × 6 - 3 × 34 × 5, राइट? अब आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। हमेशा सिखाया जाता है आपको, आपने हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? आप सिंपल दो दो नंबर्स लो और उसको सॉल्व करते जाओ। जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 7 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। फिर मैंने 42 लिखा, मल्टीप्लाई 7 / 6 एंड 34, पूरा बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन वैसे लिख दिया।
फिर मैंने 42 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 294। अब मेरे पास 6 है, मैं सिंपल नेक्स्ट स्टेप में 294 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास आ जाएगा 1764। फिर मैं इसको माइनस कर दूंगी ब्रैकेट से, ठीक है। अब देखें, आपने एक चीज़ नोटिस की है, आई मिस वन थिंग, दैट इज़ ब्रैकेट, आपने नोटिस किया था। इसीलिए हमेशा आपने अगर नोटिस किया था या नहीं किया था, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ कि आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट तो करना है, लेकिन पहले आपने ब्रैकेट को ही ऑफ करना है, जैसे मैंने नहीं किया था ना अभी, ठीक है। जस्ट टू टेल यू कि अगर आपसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाए तो नथिंग टू वरी अबाउट, आपको सिर्फ अपने माइंड में ये बहुत स्ट्रांगली बिठाना है कि आपने लेफ़्ट से राइट स्टार्ट तो करना है, लेकिन पहले आपने ब्रैकेट रिमूव करनी है, पावर्स रिमूव करनी है, फिर आपने लेफ्ट से राइट सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ओके, सो हमने ब्रैकेट पहले सॉल्व किया था, उसके अंदर था 174, को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। पहले हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 42 को 7 से करेंगे, फिर 294 को 6 से करेंगे, फिर आ जाएगा 1764 माइनस 170। सिंपल, आप इनको उसमें से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1594, दैट्स इट। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आप नीचे देखें, नीचे आ रहा है हमारे पास नए कॉन्सेप्ट्स, क्या हैं ये? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, दीज आर रूल्स, रूल्स लॉज, ठीक है, कवानीन हैं। क्या हैं ये रूल्स? रूल्स ऐसे हैं कि कम्यूटेटिव लॉज से वी कैन स्वैप नंबर्स ओवर एंड स्टिल गेट द सेम आंसर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपने नंबर्स को स्वैप कर दें, मतलब आगे पीछे भी कर देंगे, तो हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 2 + 4 = 6, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6। सो इट मीन्स कि हम चाहे उसको स्वैप कर दें, हमारे आंसर कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो पहले हमारे पास एडिशन का लॉ है, ये लॉज आपने याद रखने हैं, जो पिंक लेन में आप देख रहे हैं ये लॉज हैं, ये या आपने याद करने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है इनको। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है, इनको आपने माइंड में रखना है, जैसे 2 + 4 = 4 + 2। सो ये रूल है, ये लॉ है, ये या आप याद रखोगे। अब नीचे देखें कितनी मज़े की बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास बॉक्सेस वर्टिकल हों या हॉरिजॉन्टल हों, ठीक है, आपके पास आंसर विल बी सेम। अगर हमारे पास दो रॉज हैं या दो कॉलम हैं दोनों साइड, जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपके पास क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 2 + 3 कर दो और 4 + 2 कर दो तो आंसर सेम आएगा। नो, यू शुड हैव सेम नंबर्स, बट यू कैन जस्ट स्वैप इट, साइन भी सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। दीज आर लॉज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। आप एसोसिएटिव लॉ भी देख लो, उसमें क्या है, उसमें ये हमारे पास थ्री नंबर्स आ जाते हैं, जैसे ए बी सी है, तीन पार्ट्स हैं, इन तीनों को भी हम स्वैप कर सकते हैं, दो ब्रैकेट के अंदर हैं, एक ब्रैकेट के बाहर है। सिंपल, अगर हम ए बाहर निकाल दें या बी बाहर निकाल दें या सी बाहर निकाल दें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, बिकॉज साइन सेम है, नंबर्स भी सेम है, ओके। इसी तरीके से जब हम इनमें नंबर्स ऐड कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो भी हमारे आंसर सेम आते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि है पेज 26 पे, ये मस्टर्ड लेन है, उसके अंदर है। अब मल्टीप्लाई है, एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, दो साइन यूज़ होते हैं। पिछले दो लॉज में आपने देखा था वन साइन यूज़ हुआ था, प्लस एंड प्लस, या माइनस एंड माइनस, या मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में हम दो साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई एंड ऐड, ठीक है। सो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी, इसी तरह जब हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें ए को सी से भी मल्टीप्लाई करना होगा, अदरवाइज हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस हो जाएगी। इसी तरीके जैसे
मामा घर में सब बच्चों को इक्वल खाना देती हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से वो मामा डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इसी तरीके से जब हम फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉफिस बांट रहे हैं बर्थडेज पे, या केक सेलिब्रेशन है, हम केक काट रहे हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, सबको वन वन इक्वल पीस मिलना चाहिए, है ना। अगर किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिलता है तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। सो इसी तरीके से जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात होगी, तो आपने ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर चाहे 10 नंबर्स हैं, आपने उन नंबर्स के साथ बाहर वाले नंबर को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये हैं तीन लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। इनके आगे इनके लॉज भी लिखे हुए हैं, आप बेशक वीडियो पॉज करके याद कर लें या फिर आप अपनी बुक में निशान लगा लें। आपने ये तीन लॉज याद करने हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनको सॉल्व करना सिखाऊंगी, ठीक है। कौन कौन से लॉज हैं, रिपीट विद मी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीन लॉज आपने अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको बुक में नहीं मिल रहे, आप वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है, और इसको ध्यान से समझेंगे भी और याद भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। मेरी टीचर आपको कॉल करेंगी, आपने उनको अपडेट भी करना है कि आपने समझ आपको समझ में आया या नहीं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, अब अल्लाह हाफिज़।